मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सबसे पहले जय हिंद। अभी आप सबको पता है नीट का एग्जाम हो चुका है, अभी रिजल्ट आने वाला है और अभी काफी स्टूडेंट के पास में एडमिशन के लिए फर्जी कॉल्स आना शुरू हो गए हैं। मैंने भी मेरे मोबाइल नंबर एनटीए के एप्लीकेशन फॉर्म में यूज किए थे पिछले साल या उससे प्रीवियस ईयर में, तो मेरे पास भी इस प्रकार से फर्जी कॉल आने शुरू हो गए हैं। जैसे मेरे पास परसों एक कॉल आया, एक मैडम दिल्ली से कॉल किया उसने, तो उसने बोला आपने नीट का एग्जाम दिया है क्या। उसने सोचा कि मैं कोई नीट कैंडिडेट नीट एस्पिरेंट ही बोल रहा हूं, तो मैंने बोला हाँ मैम मैंने दिया है। तो आपका क्या स्कोर रहा है उसने पूछा, तो मैंने कहा 598 रहा है, ओबीसी राजस्थान से हूं, क्या मेरे को राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, आप दिला देंगे क्या। तो उन्होंने बोला हाँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज हम दिला देंगे। तो मैंने कहा मैम कहाँ दिला देंगे आप, तो उन्होंने बोला कि आपको SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर दिला देंगे। तो आपको SMS मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा लेकिन कोटा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोटा में काफी सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वहां उसकी मेरिट काफी ज्यादा हाई जाती है, इसलिए कोटा नहीं मिलेगा, आपको SMS जयपुर मिल जाएगा। तो मैंने कहा मैम आपका क्या चार्ज होगा, तो उन्होंने बोला इसके लिए हम 2 लाख रुपीज आपसे चार्ज करेंगे। तो इस प्रकार से कल फिर एक कॉल आया, किसी जेंट्स का कॉल आया, उन्होंने भी बोला हम दिल्ली से बोल रहे हैं, पता नहीं क्या करियर काउंसलिंग का क्या नाम बताया उन्होंने, तो हम वहां से बोल रहे हैं क्या आपने नीट का एग्जाम दिया है। मैंने बोला सर मैंने नीट का एग्जाम दिया है, 598 मार्क्स है मेरे, ओबीसी कैंडिडेट हूं, राजस्थान से हूं, क्या मेरे को आप गवर्नमेंट सीट दिला सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ आपको गवर्नमेंट सीट हम दिला देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हमारी सीटें होती हैं गवर्नमेंट कोटा में, तो हम आपको गवर्नमेंट सीट दिला देंगे। मैंने कहा आप कितना चार्ज करेंगे, तो उन्होंने बोला हम इसके लिए 5 लाख रुपए आपसे चार्ज करेंगे। मैंने बोला आप कहाँ सीट दिलाएंगे हमारे को, तो उन्होंने बोला SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर में है वो दिला देंगे आपको, और SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर भी आप लेना चाहें तो वो दिला देंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि चलो ठीक है आप हमें दिला देंगे, तो बताइए पिछले साल का क्या कट ऑफ रहा था SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर का। तो वो कट ऑफ नहीं बता पाया क्योंकि उसको कुछ आइडिया ही नहीं था, वो तो पैसे ऐंठने के चक्कर में रहते हैं, रातों रात पैसे लेके फरार हो जाते हैं, दूसरे दिन उनका सुबह ऑफिस ही नहीं मिलता। ये आपने पिछली बार या इससे पिछली बार अखबारों में कई बार पढ़ा होगा कि इस प्रकार से काउंसलिंग के लिए इतने पैसे उन्होंने ठग लिए हैं, सुबह ऑफिस नहीं मिला, लेके फरार हो गए हैं, तो उसके बाद कुछ नहीं होता है। तो इस चक्कर में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आपने किसी अच्छे काउंसलर से अपने काउंसलिंग करवानी है। सबसे पहले तो आप उस काउंसलर पर भरोसा करें जिसने पिछली बार आपके रिश्तेदार का या फिर आपके कहीं जानकारी में किसी स्टूडेंट का एडमिशन करवाया है, काउंसलिंग दिया है, तो आप अच्छे काउंसलर को चुने, उस पर आप विश्वास करें। क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी स्टूडेंट को, सबसे पहले तो किसी स्टूडेंट को नॉलेज के अभाव में इस प्रकार की धोखेबाजी में न पड़ना पड़े, और दूसरी बात अच्छे मार्क्स होते हुए भी उसको अच्छी कॉलेज मिले। इन सब को देखते हुए मैंने जिन बच्चों ने मेरी बुक डाउनलोड की है इस लेवल का मैंने बना दिया है, वो एक बार उस बुक को पढ़ेंगे तो उनको पूरा आइडिया हो जाएगा। इस प्रकार के फर्जी कॉल्स आएंगे तो वो बिल्कुल उन पर फेद नहीं करेंगे, और उल्टा ही उनसे जब क्वेश्चन पूछेंगे तो ये समझ जाएंगे, स्टूडेंट ये समझ जाएंगे कि ये फर्जी है, इसको कुछ भी नहीं पता है। तो आपने इनका बिल्कुल ध्यान रखना है, इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये फर्जी आपको काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके पैसे भी ले जाएंगे, टेंशन अलग होगी, एडमिशन भी नहीं होगा। तो मेरी इस बात का ध्यान रखना है, आप इससे लाइक बनो कि आपको काउंसलिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज हो, एडमिशन के बारे में थोड़ा नॉलेज हो, चारों तरफ से आप नॉलेज गेन करें, किसी भी आदमी पर विश्वास तब करें आप ये जान लें कि हाँ ये आदमी हमारे काउंसलिंग में काम आ सकता है। बाकी मैंने वीडियो बना के हर एक चीज का बहुत अच्छी तरह से हर वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर स्टूडेंट मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने सारी चीज काउंसलिंग के बारे में समय समय पर अपडेट देता रहता हूं, मैं काउंसलिंग के बारे में समय समय पर हर एक चीज के बारे में बता देता हूं, कहां कितनी कट ऑफ रहने वाली है, कितनी नंबर पर मिलने वाला है। और काउंसलिंग के अलावा मैं आपको फिर बता दूं, काउंसलिंग के अलावा आपको कोई कहीं सीट नहीं दिला सकता है, जो भी होगा प्रोसेस
स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के थ्रू होगा या फिर एमसीसी के थ्रू होगा। तो आप किसी धोखे में ना आए, मिलेंगे नई अपडेट के साथ में, तब तक मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।